2023 ये साल भारतीय क्रिकेट के लिए काफी शानदार रहा है। कई ऐसे भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2023 में विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 2023 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का ये साल काफी बेहतरीन गया है। आपको बता दूं कि किंग कोहली ने 35 मैचों में 36 पारियों में 2048 रन बनाए हैं। प्रिंस के नाम से मशहूर शुभमन गिल का भी यह साल काफी शानदार रहा है। शुभमन गिल ने 2023 में 48 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 52 पारियों में 2154 रन ठोके हैं। श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए 2023 में 26 मैच खेले हैं, जिसकी 27 पारियों में उन्होंने 986 रन बनाए हैं। मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के लिए 2023 में 40 मैच खेले हैं। 40 मैचों की 38 पारियों में उन्होंने 1130 रन ठोके हैं। बैट्समैन और विकेटकीपर केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए 2023 में 30 मैच खेले हैं। उन्होंने 30 मैचों की 29 पारियों में भारत के लिए 1203 रन बनाए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने भारत के लिए 2023 में 35 मैच खेले हैं, जिसकी 39 पारियों में उन्होंने 1800 रन बनाए हैं। ईशान किशन ने भारत के लिए 2023 में 30 मैच खेले हैं, 30 मैचों की 29 इनिंग में उन्होंने 741 रन बनाए हैं। वही यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 2023 में 18 मैच खेले हैं। उन्होंने 19 पारियों में टीम इंडिया के लिए 718 रन ठोके हैं। ऑलराउंडर बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए 2023 में 35 मैच खेले हैं, जिनमें 28 पारियों में उन्होंने 613 रन बनाए हैं। वही दूसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भारत के लिए 2023 में 24 मैच खेले हैं। 24 इनिंग में उन्होंने भारत के लिए लगभग 600 रन बनाए हैं। वैसे 2023 में इस लिस्ट में से आपको किस बैट्समैन की बैटिंग पसंद आई कमेंट्स करके बताइए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।